एमएसएम का जो प्रशिक्षण हम लोगों के द्वारा दिया जाता है वो बेसिकली ब्रेकिंग द साइलेंस के ऊपर में है कि चुप्पी को तोड़ना। और चुप्पी को तोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी इसके ऊपर में इसको गांवों में महिलाओं के बीच में इसे गंदा समझा जाता है, इसको लेकर बहुत ही हिचकिचाहट होती है। तो बेसिकली हम लोग चुप्पी को तोड़ने की बात करते हैं और साथ ही साथ माहवारी के लिए जो माहवारी के दरमियान जो सामग्री हम लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, जो जगह उपलब्ध होनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। और हमको घर में काम करना पड़ता है तो मम्मी लोग को नहीं बोलते हैं, फिर भी मतलब घर में बाथरूम भी उतना बढ़िया नहीं है, नहीं बना है, उसमें हमको पैर लेने में बहुत दिक्कत होती है घर में भी। माहवारी के दौरान हमको मेरा पेट में बहुत दर्द देता है जिसके कारण स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। मैं माहवारी के समय स्कूल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे रास्ते मेरा घर से स्कूल बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए हम नहीं जा सकते हैं स्कूल। और हमको जब माहवारी होती है तो घर में दिक्कत होता है क्योंकि पानी का सुविधा नहीं है, इसीलिए अब कपड़े को धोने का जगह नहीं है, इसीलिए पैड का इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर मिट्टी में गाड़ते हैं। और एक बात करते हैं कि पुनः उसका रीयूज कैसे कर पाएँ और सेफ डिस्पोजल गांवों में कैसे हो पाए ताकि वातावरण और साथ ही साथ पूरे घर के माहौल भी एक तरह से वो खुशनुमा हो, उस पर गर्व महसूस हो पाए। ये तीन बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग प्रशिक्षण देते हैं तो उसके बाद तुरंत तो रिजल्ट नहीं पता चलता, उनके साथ लगातार जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बच्चियों में जो झिझक होती है वो दूर हुआ रहता है। घरों में वे बात करना शुरू करती हैं, उनका डिमांड आना शुरू होता है, वे मांग करती हैं कि उनके लिए एक पूरा मैनेजमेंट हो वहाँ पे। और बच्चियाँ स्कूल जाने में भी वे कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है, उनकी जो झिझक है वो टूट गई रहती है, साथ ही साथ घरों में भी उनकी बातों को सुना जाता है। ये महावारी का प्रतीक है जो हम लोग को प्रेरित करती है कि हम लोग को शर्म नहीं करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि इस प्रतीक को साक्षी मानकर आगे बढ़ें। महावारी के दौरान हम दिन में पहले तो दो बार बदलते थे लेकिन दीदी लोग बताई, इसीलिए अब चार बार बदल लेंगे और फिर अच्छा से रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें।